आरोप बहुत गंभीर है, जनता जानना चाहती है लेकिन खामोशी है। एक इस किस्म की गंभीर आरोप और कंप्लेंट जो कि पीएमओ को भी भेजी गई है, वो हमारे पास सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म से पहुंची और हमने भी इंतज़ार किया कि इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण ऑनरेबल एलजी से के ऑफिस से उनके पर्सन से आएगा, लेकिन अफसोस का बात ये भी है कि इतने बड़े चार्जेस कहीं मेनस्ट्रीम मीडिया में तो मैंने देखे नहीं कि उसके बारे में कोई चर्चा हो, मरमर भी नहीं है। कोई भी बड़े पद पे आदमी बैठे है, कोई अगर आरोप लगे तो एक बहुत बड़ी चर्चा की बात है और उस पर लोग सच्चाई को तो जानना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट जो कि 1992 बैच के एडमिट के ऑफिसर हैं, आईएएस अफसर, और इस वक्त वो एक एम पद पे हैं, चेयरमैन ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज पे। आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में भी उन्होंने कई गंभीर आपत्तियों की कंप्लेंट जो है वो नेशनल कमीशन में की हुई है। उसमें भी हमने मांग की थी कि अगर आरोप सच नहीं है तो सीबीआई जांच हो जाए, सच दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर एक उसी महकमे का उसी डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुछ आरोप लगाता है कि इसमें धांधलियाँ हुई हैं परचेज में, जो प्रोक्योरमेंट जो इस कंप्लेंट में भी जो है उन्होंने दर्ज किया है, दोबारा रिट्रीट किया है और पीएमओ को भी लिखा है, वो कंप्लेंट क्राइम ब्रांच और कई सीनियर अफसर कंप्लेंट के रूप में है, लेकिन मौजूदा जो उन्होंने कहा है कि एक प्राइवेट पार्टी जो माननीय मनोज सिन्हा जी के बेटे की एंगेजमेंट का फंक्शन वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया और उसकी पेमेंट 10,71,605 रुपया सरकारी खजाने से की गई, प्राइवेट फंक्शन का अरेंजमेंट डेकोरेशन 120 आदमी का लंच और डिनर जो है वो अरेंज करवाया जाता है। रेजिडेंट कमिश्नर पिथौरा रोड नई दिल्ली की तरफ से, और फिर उसकी पेमेंट भी सरकारी खजाने से बताया गया है की गई है। और अगर इतने उच्च पद पे बैठे हुए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तरह से करते हैं, सरकार का पैसा कैसे किसी प्राइवेट पार्टी या किसी फंक्शन के लिए निकाला जा सकता है, और उसके बाद ये मामला तो हमारी जानकारी में अब आया, लेकिन बहुत गंभीर बात है कि इस पर कोई चर्चा नहीं। यहाँ के उनके जो एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर हैं रेजिडेंट कमिश्नर के ऑफिस से, उन्होंने चिट्ठी लिख करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और गवर्नर कहा कि ये पैसा जो कि पार्टी आज से 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि 16/2/2021 को वो पार्टी जो है वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज होती है और उसका 10,71,605 रुपीज जो है वो रेजिडेंट कमीशन के ऑफिस से उसकी पेमेंट की जाती है और उसके लिए 6 अप्रैल 2021 को एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस को लिखा कि ये पैसा जो है वो पब्लिक एक्सचेकर से दिया गया है, इस पैसे को वापस किया जाए ताकि ट्रेजरी में इसको जमा करवाया जाए। हालांकि पैसा एक पैसा भी प्राइवेट फंक्शन के लिए निकालना ये कानून जुर्म है, ये गैर कानूनी है, लेकिन उसके बाद उस लेटर के बाद क्या हुआ कि वो पेमेंट हुई नहीं हुई, बिल्कुल खामोशी। और जब ये कंप्लेंट पब्लिक डोमेन में है
प्रधानमंत्री के कार्यालय तक भी पहुंची है, सब जगह गई है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ चीटिंग और फ्रॉड का केस दर्ज होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। उन्होंने तो और भी बातें कही हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर इस मामले में स्पष्टता करें, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आए कि क्या ये बात सही है, और अगर ये सही है, सही क्योंकि इसमें प्रीलिमिनरी प्राइमरी फसाई एविडेंस दिया है उस ब्यूरोक्रेट ने, एक लेटर उसके साथ है, ये मेरे पास उसकी कॉपी है जो सोशल मीडिया से हमने डाउनलोड की है, जिसमें गंभीर ये आरोप है, और ये वो लेटर है जो 6/4/2021 का एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लिखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है, इसको मैं पढ़ देता हूँ, कि एज डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल एलजी ऑफिस द अरेंजमेंट फॉर लंच एंड डिनर ऑफ 120 पर्संस एंड डेकोरेशन एट 7 अक्वर रोड न्यू दिल्ली वर कैरिड आउट ऑन 16 February 2021। द टोटल अमाउंटिंग टू रुपीज 10,71,605 वॉज डन बाई दिस ऑफिस, दिस बीइंग पर्सनल फंक्शन इट इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली अरेंज एंड डिपॉजिट द सेट अमाउंट इन द ट्रेजरी टू सेटल द इशू। इशू तो सेटल नहीं होता, कोई भी सरकारी पद में कोई भी बैठा हो सरकार के पैसे से प्राइवेट फंक्शन करे, वो अपने आप में एक जुर्म है, वो अपने आप में फंक्शन जो है वो जुर्म है। और उसके बाद ये स्पष्टता से लिखा गया है, 3.5 साल के बाद ये पता लगता है, 6 April 2021 को उन्होंने पैसा मांगा कि कम से कम पैसा दीजिए, क्योंकि रेजिडेंट कमीशन के ऑफिस ने देखा होगा कि इसमें हम भी फंसते हैं, डायरेक्शन जो भी हो, कोई अनलॉफुल कमांड हो तो उसको मानना जरूरी नहीं, लेकिन इस तरह से किया गया है। और उसके बाद टोटल खामोशी, इतनी सीरियस कंप्लेंट पब्लिक डोमेन में, और उन्होंने तो हिम्मत से ये बात कही कि इसमें क्राइम ब्रांच से जांच हो और इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इसके बारे में पब्लिक को बताया जाए। अगर इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया तो डेमोक्रेटिक तरीके और भी हैं, हम सरकार का जनता का पैसा मिसयूज अगर हुआ है, एक तो ये पोजीशन का मिसयूज है, उसके बाद जनता के पैसे का मिसयूज है, वो एक गंभीर आरोप है, गंभीर जुर्म है। और सबसे उच्च पद पे बैठे हुए जम्मू कश्मीर के शख्स के हदायत में जो उनके लिए अगर ऐसा हो रहा है और ऐसा चल रहा है तो इससे बड़ी गंभीर बात क्या है, और कोई कार्रवाई नहीं करता। सत्यपाल मलिक जी ने भी कुछ कहा था कि करप्शन के बारे में कुछ लोगों को ज़्यादा परहेज नहीं है, तो उनके दफ्तर कार्यालय तक भी ये चीज़ें पहुंचती हैं और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, कोई इसका जवाब नहीं, कोई जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती। इसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि जो है कुछ और आरोप भी हैं, उन्होंने कहा है कि जिसमें ऑनरेबल एलजी साहब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलके इस तरह के और भी जो है वो उन्होंने आरोप लगाया कि मिसयूज ऑफ फंड्स हुआ है। इसके साथ साथ और भी जो बातें उन्होंने कही हैं, आरोप गंभीर हैं कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आपको पता है सत्यपाल मलिक जी ने इसका उस वक्त खुलासा किया था, और जांच उनके खिलाफ होने के बजाय उस वक्त के गवर्नर साहब के खिलाफ हो रही है, CBI उनके पास जाती है। ये इस दौर में जो अमृतकाल चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नीचे, अगर इस तरह से काम होते हैं, उन्होंने जो पैसे का भी हिसाब दिया कि 44,39,000 का चक्कर को लॉस हुआ है, 44 करोड़ 30
9 लैक्स और उसमें इंश्योरेंस के में उन्होंने कहा कि बजाज अलायंस के साथ मिलकर भी कुछ 200 करोड़ का या उसने कहा कि उसमें जाप्तियां हैं। इसी तरह से जल जीवन मिशन जो कि जिसमें 6000 करोड़ के करीब पैसा जहां दिया गया है उसमें भी जो है वो बहुत जाप्तियां उन्होंने